हेलो, वेलकम टू बेस्ट एंगल अकेडमी। मैं हूं सचिन, स्वागत है आपका बेस्ट एंगल अकेडमी पे। तो जैसा कि आपको हेडिंग से दिख रहा हो कि आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, आपका जो टाइप होता है ब्रिजेज का, टेम्प्रोरी एंड परमानेंट जो ब्रिज होता है उसको हम लोग आज देखने वाले हैं। तो किस टाइप के ब्रिज को हम लोग टेम्प्रोरी बोलते हैं, किस टाइप के ब्रिज को परमानेंट ब्रिज बोलते हैं, ये सारा कुछ हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो अभी तक आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो जल्दी जल्दी। ठीक है, कर दो फटाफट। तार का पूरा ये लग गया है जमावड़ा। चलिए तो चलते हैं, टेम्प्रोरी ब्रिज किसको कहते हैं, परमानेंट ब्रिज किसको कहते हैं, तो ये सब कुछ समझते हैं। तो नाम से ही पता चल रहा होगा, टेम्प्रोरी ब्रिज कहने का मतलब क्या कि थोड़े समय के लिए जिस टाइप के ब्रिज का यूज़ कर रहे हैं हम लोग टेम्प्रोरी ब्रिज बोलेंगे। लंबे समय तक जो ब्रिज का इस्तेमाल कर रहे हैं उसको हम लोग क्या बोल देंगे, परमानेंट ब्रिज बोल देंगे। ठीक है, तो द ब्रिज विच कैन बी कंस्ट्रक्टेड एज वेल एज, टेम्प्रोरी ब्रिज की अगर बात करें तो द ब्रिज विच कैन बी कंस्ट्रक्टेड एज वेल एज मेंटेनेंस एट लो कॉस्ट, यानी कि उसको थोड़े समय के लिए तो बनाते ही हैं, ठीक है, और लो कॉस्ट पे बनाते हैं, एंड हैव शॉर्ट स्पैन, उसका स्पैन भी क्या होगा, छोटा होगा, यानी कॉस्ट भी कम, ठीक है, कम समय के लिए, और स्पैन जो इसका लेंथ होगा वो भी क्या होगा, कम होगा। यूजफुल लाइफ इज कॉल्ड टेम्प्रोरी ब्रिज। तो इस तरह का जो ब्रिज होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, टेम्प्रोरी ब्रिज बोलते हैं। नेसेसिटी ऑफ टेम्प्रोरी ब्रिज की बात करें, क्यों हमको इस तरह का ब्रिज देने का जरूरत पड़ता है, तो वेन देयर इज शॉर्टेज ऑफ फंड टाइम, जहाँ पे आपका फंड कम है, पैसा कम है, टाइम कम है, कम समय में बनाना है, तो उस केस में आपको टेम्प्रोरी ब्रिज बनाने का जरूरत पड़ता है। सेकंड बात करते हैं, रिपेयर ऑफ मेन ब्रिजेज नीड टू कैरी, जहाँ पे देखिए क्या काम होता है, जब मेन ब्रिजेज में कोई प्रॉब्लम आता है तो उसके बगल में हम लोग टेम्प्रोरी ब्रिज बना के भी क्या करते हैं, अपना काम चला लेते हैं, या फिर रिपेयर करना होता है तब, ठीक है, मेन ब्रिजेज को जब रिपेयर करना होता है तो टेम्प्रोरी ब्रिज हम लोग बना के अपना काम करते रहते हैं। रिपेयर ऑफ मेन ब्रिजेज नीड टू कैरी। थर्ड बात करते हैं, लैक ऑफ स्किल रिसोर्सेज, अगर कम स्किल वाले लोग हैं तो वहाँ पे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, टेम्प्रोरी ब्रिज बना सकते हैं। फोर्थ नंबर पे बात करें तो टेम्प्रोरी नीड ऑफ क्रॉसिंग स्ट्रीम एंड रिवर, तो वहाँ पे क्या होता है कि क्रॉसिंग चाहिए स्ट्रीम एंड रिवर के लिए टेम्प्रोरी टाइप से, तो वहाँ पे भी आपको इस तरह का ब्रिज देखने को मिलता है। आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ टेम्प्रोरी ब्रिज, तो इसमें आपको फर्स्ट आपको कॉजवे देखने को मिलता है। ठीक है, काजवे की अगर बात करते हैं क्या होता है, तो काजवे इज डिफाइंड एज अ स्मॉल समर्सिबल, ठीक है, स्मॉल समर्सिबल ब्रिज एट और अबाउट द बेड लेवल, या तो बेड लेवल पे होगा, ठीक है, तो काजवे क्या है, डिफाइंड एज अ स्मॉल समर्सिबल, छोटा है समर्सिबल ब्रिज एट और अबाउट द बेड लेवल, यानी कि बेड के लेवल पे होता है। विच विल अलाउ द फ्लड टू पास ओवर इट, जो क्या करेगा, फ्लड को अलाउ करता है कि इस पे से क्या हो जाए, पास कर जाए। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। ठीक है, वी अलाउ द फ्लड्स टू पास ओवर इट। आगे चलते हैं, इसमें हम लोग देखते हैं कैसे ये सब उजरा आ जाता है। चलिए, तो कंडीशन फॉर प्रोवाइडिंग कॉजवे, तो कौन कौन सा कंडीशन है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, कॉजवे को प्रोवाइड करते हैं, तो व्हेन द सीजनल फ्लो इज लेस, जब सीजनल फ्लो कम होगा तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, ये हम लोग कॉजवे प्रोवाइड करते हैं। व्हेन द डेप्थ ऑफ वाटर इन स्ट्रीम इज वेरी लो, जब डेप्थ भी कम होता है तो उस केस में भी क्या करते हैं हम लोग, इसको हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, व्हेन द डेप्थ ऑफ वाटर इन सीजनल फ्लो इज वेरी लेस, तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। टाइप्स ऑफ कॉजवे की बात करें, टाइप्स ऑफ काजवे की अगर बात करते हैं तो किन किन टाइप का वो काजवे देखने को मिलता है, फ्लश काजवे देखने को मिलता है, लो लेवल काजवे देखने को मिलता है, और हाई लेवल काजवे देखने को मिलता है। तो फ्लश काजवे की बात करते हैं, द काजवे हैविंग इट्स फ्लोर फ्लश विथ द बेड ऑफ अ स्ट्रीम विदाउट एनी वेंट इज नोन एज फ्लश काजवे, तो वैसा काजवे जिसका जो फ्लोर फ्लश होगा विथ द बेड ऑफ अ स्ट्रीम, ठीक है, विदाउट एनी वेंट इज नोन एज फ्लश काजवे, जिसमें क्या होगा कि कोई भी वेंट नहीं प्रोवाइड किया जाता है, तो उस तरह का जो काजवे होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लश काजवे बोलेंगे। दिस टाइप ऑफ काजवे इज यूजुअली प्रोवाइडेड इन हिली रोड्स, इस तरह का काजवे कहाँ प्रोवाइड करते हैं, हिली रोड में प्रोवाइड करते हैं, वेयर मैक्सिमम डेप्थ ऑफ फ्लड वाटर डज नॉट एक्सीड 1.75 मीटर, जहाँ पर मैक्सिमम डेप्थ ऑफ जो आपका वाटर होगा वो 1.75 मीटर से ज़्यादा नहीं होता है, तो उस केस में क्या करते हैं हम लोग, फ्लश काजवे का इस्तेमाल करते हैं। लो लेवल काजवे की अगर बात करते हैं,
द कॉजवे हैविंग वन और मोर द कॉजवे हैविंग वन और मोर वेंट प्रोवाइडेड अंडर द रोडवे, यानी कि अंडर द रोडवे आपको एक से ज़्यादा आप वेंट प्रोवाइड करते हो, ठीक है, स्लैब फॉर पासिंग द स्मॉल डिस्चार्ज थ्रू इट ड्यूरिंग रेनी सीजन इज नोन एज लो लेवल कॉजवे। तो जब रेनी सीजन है तो उस केस में आप क्या करते हो कि एक और ये एक से ज़्यादा अगर यहाँ पे क्या करते हो, वेंट पाइप प्रोवाइड करते हो। वन और मोर वेंट प्रोवाइडेड अंडर द रोडवे स्लैब फॉर पासिंग द स्मॉल डिस्चार्ज थ्रू इट ड्यूरिंग रेनी सीजन इज नोन एज लो लेवल कॉजवे। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। रेनी सीजन में जब वेंट का इस्तेमाल करते हैं हम लोग इस केस में, चलिए इसका डायग्राम देख लेते हैं फ्लश कॉजवे का और जो आपका हाई लेवल कॉजवे है इसका हम लोग डायग्राम भी देख लेते हैं। ये क्या हो गया, HFL हो जाएगा यहाँ पे, हाई फ्लड लेवल, ये रिवर बैंक हो गया। और ये आपका नीचे कॉन्क्रीट हो गया। ठीक है, तो ये आपका इसमें पिक्चर बना लो। अगर बात करते हैं लो लेवल कॉजवे की, इसका डायग्राम कैसे बनेगा, ये क्या हो गया HFL हाई फ्लड लेवल, रिवर बैंक हो गया फिर से, ये आपका कॉन्क्रीट का स्ट्रक्चर हो गया। और यहाँ पे आपका क्या लगा रहेगा, बेंट लगा रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया फ्लश कॉजवे का डायग्राम और ये हो गया आपका लो लेवल कॉजवे का डायग्राम हो गया। ठीक है, तो आते हैं अगले स्लाइड पे और इसमें हाई लेवल कॉजवे है जो है उसको भी हम लोग देखते हैं। चलिए तो आगे चलते हैं, इसमें हाई लेवल कॉजवे देखते हैं हम लोग, उसके बाद हम लोग कल्वर्ट्स के बारे में देख लेंगे। तो चलते हैं हाई लेवल कॉजवे को देखते हैं सबसे पहले। तो नाम से ही पता चल रहा है कि जो कॉजवे होगा इसका लेवल क्या होगा, इसमें हाई होगा। हाई लेवल कॉजवे इज समर्जिबल रोड ब्रिज। ये क्या होता है, समर्जिबल रोड ब्रिज होता है, डिजाइन टू ओवरटैप फ्लड्स। ओवरटैप फ्लड्स के लिए इसको डिजाइन किया जाता है। हाई लेवल कॉजवे कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ ओपनिंग टू अलाउ द नॉर्मल फ्लड डिस्चार्ज टू पास थ्रू दैम। इसमें करते क्या है हम लोग कि नंबर ऑफ ओपनिंग जो होता है इसमें प्रोवाइड करते हैं, यानी कि एक ओपनिंग से ज़्यादा हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे ओपनिंग हम लोग प्रोवाइड करके रखते हैं ताकि क्या हो कि आसानी से जो आपका डिस्चार्ज पास कर सके। हाई लेवल कॉजवे इज समर्जिबल रोड वे ब्रिज डिजाइन टू ओवरटेक फ्लड्स। हाई लेवल कॉजवे कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ ओपनिंग टू अलाउ द नॉर्मल फ्लड डिस्चार्ज टू पास थ्रू दैम, जिससे क्या होता है कि नॉर्मल जो डिस्चार्ज होता है इससे पास कर जाता है आसानी से। अब कल्वर्ट्स की बात करते हैं, ये टॉपिक आपका ख़त्म हो गया, कॉजवे वाला टॉपिक ख़त्म हो गया। अब हम लोग बात कर रहे हैं कल्वर्ट्स के बारे में। तो कल्वर्ट्स में होता है कैसे है कि आप कभी कभी देखते होंगे कि इस तरह से कहीं कहीं बनाया रहता है, पाइप वगैरह ये सब लगाया रहता है, ठीक है, ऊपर से रोडवे पास करते रहता है आपका, ये सब मिट्टी में भरा रहता है इस तरह से, ठीक है।
ये आपका क्या होता है, इसको हम लोग कलवट बोलते हैं। ठीक है, मूवी वगैरह में आता है जिसमें नाला होता है, ठीक है, तो वो तो अलग चीज़ रहता है। ठीक है, वो तो अलग चीज़ हो गया। ये कलवट सकते हो, रोड साइड देख सकते हो, इस तरह से पाइप रहता है आपका, और या फिर गाँवों में देखने को मिलता है। ठीक है, तो एक तरफ से दूसरी तरफ पानी जो फ्लो कर लेता है उसके लिए इसका प्रोवाइड किया जाता है। कलवर्ट्स की बात करते हैं, कलवर्ट इज डिफाइंड एज ए टनल स्ट्रक्चर। ये क्या है, टनल स्ट्रक्चर है कंस्ट्रक्टेड अंडर रोडवे, जो रोड है उसके नीचे बनाया जाता है, और रेलवेज, रेलवेज के नीचे भी प्रोवाइड किया जाता है। रेलवेज टू प्रोवाइड क्रॉस ड्रेनेज और टेक इलेक्ट्रिकल और अदर केबल फ्रॉम वन साइड टू अनदर। यानी कि रोड के उस तरफ से इस तरफ कुछ लाना है, पानी लाना है, मतलब पानी का फ्लो कराना है, या फिर आपको कुछ जैसे कि तार वगैरह ये सब बिछाना है, केबल बिछाना है, तो उस केस में इस तरह से कलवट का इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ टोटली इनक्लोज्ड बाय सॉइल और ग्राउंड पाइप। कलवट, बॉक्स कलवट एंड आर्क कलवट आर दी कॉमन टाइप्स। ये देखिए, इसमें होता है कि एक टोटली जो कन्वर्ट, टोटली क्या होता है, ये आपका कवर्ड होता है। जो कलवट से किससे कलवर्ट होता है, तो ग्राउंड या फिर सॉइल कर लो, उससे क्या होता है, ये टोटली कवर्ड होता है। कॉमन टाइप्स की अगर बात करें, किस किस टाइप का आपको कलवट देखने को मिलता है, तो आपको पाइप कलवर्ट देखने को मिलेगा, बॉक्स कलवर्ट देखने को मिलेगा, और आर्क कलवर्ट देखने को मिलता है। यूज्ड कॉमन टाइप्स ऑफ यूज्ड अंडर रोडवे एंड रेलवे, तो कौन कौन सा हो गया, पाइप, बॉक्स और आर्क कलवर्ट। पाइप, बॉक्स और आर्क कलवर्ट आपको देखने को मिलता है। आगे चलते हैं, द डिज़ाइन ऑफ कलवर्ट इज़ बेस्ड ऑन हाइड्रोलिक वाटर सरफेस एलिवेशन। द डिज़ाइन ऑफ कलवर्ट की अगर बात करें, किस बेसिस पर डिपेंड करता है, किस बेसिस पर हम इसको डिज़ाइन करते हैं, तो हाइड्रोलिक वाटर सरफेस एलिवेशन, यानी कि जो वाटर का जो सरफेस है उसके एलिवेशन पे डिपेंड करता है, रोडवे हाइट पे डिपेंड करता है, एंड अदर कंडीशंस दीज आर यूज्ड फॉर वाटर फ्लो इन अ कंट्रोल्ड वे। यहाँ पे ये ध्यान देना होता है कि वाटर का जो फ्लो हो कंट्रोल्ड वे में होना चाहिए। मटेरियल्स फॉर कलवर्ट कंस्ट्रक्शन, जब कलवर्ट बना रहे हो तो कौन कौन सा मटेरियल का यूज पड़ेगा, यहाँ पे कंक्रीट का पड़ेगा, स्टील का, प्लास्टिक का, एल्युमिनियम का, हाई डेंसिटी पोलोथीन का, ये सब इसमें इस्तेमाल किया जाता है। लोकेशन ऑफ कलवर्ट की बात करें, कहाँ पे आप कलवर्ट को दे सकते हो, तो लोकेशन ऑफ कलवर्ट में आता है, तो लोकेशन ऑफ कलवर्ट्स शुड बी बेस्ड ऑन इकोनॉमिक एंड यूजेज। यानी कि इकोनॉमिकल यूजेज कहीं पे है, मतलब कहने का मतलब कि सबसे ज़्यादा जहाँ नीड है, जहाँ इकोनॉमिक के पर्पज़ से आपको आसानी हो रहा है देने में, तो उसके वहाँ पर हम लोग इसको प्रोवाइड करते हैं। जनरली इट इज़ रिकमेंडेड दैट द प्रोविजन ऑफ कलवर्ट्स अंडर रोडवे और रेलवे आर इकोनॉमिकल। जनरली हम रोडवे और रेलवे को नीचे इसको देना ज़्यादा बेहतर माना जाता है। देर इज़ नो नीड टू कंस्ट्रक्ट, क्या बोल रहा है कि नो नीड टू कंस्ट्रक्ट, कहाँ पे इसका ज़रूरत नहीं है, सेपरेट एम्बैकमेंट और एनीथिंग फॉर प्रोवाइडिंग कलवर्ट्स। यानी कि इसका तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि आपको कलवर्ट्स बनाना है कहीं पे, तो आप अलग से क्या करो, एम्बैकमेंट बनाओ, उसके अंदर कलवर्ट्स प्रोवाइड करो, ऐसा ज़रूरी नहीं है बिल्कुल। आपको क्या करना है, जो एग्जिस्टिंग रोड है या फिर रेलवे है उसी के नीचे हम लोग इसको क्या करते हैं, कलवर्ट्स को बनाते हैं। द प्रोवाइडेड कलवर्ट्स शुड बी परपेंडिकुलर टू दी, तो कलवर्ट्स हम लोग कैसे प्रोवाइड करते हैं, जो रोड के परपेंडिकुलर हम लोग प्रोवाइड करते हैं टू दी रोडवे। इट शुड बी ग्रेटर डायमेंशंस टू अलाउ मैक्सिमम वाटर लेवल एंड शुड बी लोकेटेड इन सच अ वे शुड बी इजली डन। तो बोल रहा है कि इसको ऐसे जगह पे प्रोवाइड करते हैं और ऐसा इस तरह से प्रोवाइड करते हैं ताकि इससे जो क्या हो कि मैक्सिमम वाटर लेवल डायमेंशन टू अलाउ मैक्सिमम वाटर लेवल, यानी कि इस तरह से डिजाइन करते हैं कि इसमें क्या हो कि मैक्सिमम जो वाटर होता है इससे क्या कर जाए, फ्लो कर जाए, एंड शुड बी लोकेटेड इन सच अ वे डैट फ्लो शुड बी डन इजली। और इस तरह से इसको लोकेट करते हैं कि यहाँ से जो फ्लो हो वो क्या हो, आसानी से फ्लो हो जाए। ठीक है, चलिए इसमें और आगे हम लोग देखेंगे, आते हैं अगले स्लाइड पे, कलवर्ट्स को अगले स्लाइड में हम लोग ख़त्म कर लेते हैं।